दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें थोड़ी सी भी गलती होने से पूरा कॉन्सेप्ट पूरा आंसर ही बदल जाता है। देखिए, जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, दोस्तों दुनिया में दो प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। मैं इन दोनों के बीच का आपको अंतर बता देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो हम लोग एक एक करके दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बेसिकली दो होते हैं, बाई स्केलर क्वांटिटी विथ वेक्टर क्वांटिटी, जो कि होता है व्हेन अ वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाई अ स्केलर क्वांटिटी देन रिजल्टेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है एम, हम सपोज करते हैं, और एक वेक्टर क्वांटिटी है ए। ये एरो इसलिए कि ये वेक्टर है, ये दिखाने के लिए। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो पक्का एम डॉट ए बनेगा, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और हम आगे मैं आपको एग्जांपल के रूप में आपको समझा देता हूँ। जैसे ये एग्जांपल देखिए, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू टू। दोस्तों ये है वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर आई कैप और जे कैप है, और ये है हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका रिजल्टेंट आएगा 4i कैप प्लस 6j कैप। दोस्तों जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वेक्टर और एक जब स्केलर मल्टीप्लाई हुआ तो जो रिजल्टेंट आया वो भी एक वेक्टर आया है। दोस्तों मैं आपको समझा दूँ कि आई कैप और जे कैप है क्या, आप इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, ये कार्टेशियन प्लेन है और ये वाली जो साइड होती है इसे हम कहते हैं आई कैप, इधर वाली डायरेक्शन को हम कहते हैं माइनस आई कैप, ऊपर वाली डायरेक्शन कहते हैं जे कैप, नीचे वाली डायरेक्शन कहते हैं माइनस जे कैप। तो दोस्तों इस तरह हम लोग वेक्टर को वेक्टर देख सकते हैं, जैसे कि 2i कैप मतलब कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में 2 यूनिट्स तक चला, यूनिट कुछ भी ले सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर, 2 यूनिट्स तक चला। और 3j कैप का मतलब कि ऑब्जेक्ट यहाँ से 3 यूनिट्स तक चला है, ठीक। तो और चूंकि इसमें डायरेक्शन है इसीलिए वेक्टर है, और स्केलर से जब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये एक वेक्टर ही आता है। एक और मैं छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ, जिससे आप एकदम से क्लियर हो जाएं। आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप मल्टीप्लाइड बाई 3, देख सकते हैं ये पूरा वेक्टर है। के कैप, अब आप फिर पूछेंगे कि के कैप क्या है, तो ये 2 डायमेंशनल फिगर हो, जैसे कि ये देखिए ये 2 डायमेंशनल है, यहाँ पर एक्स वाई, और ये जो एक तीसरा जाता है वो जेड। जैसे हम दीवार में अगर देखें तो ये ऊपर वाला ये हाइट हो जाता है, ये बेस और ये लेंथ, तो ये होता है के। तो यहाँ पर हम लोग के कैप को एक अज्यूम करते हैं जो 3 डायमेंशनल फिगर में प्रोड्यूस बनाया जाता है, क्योंकि इसका काम हम लोग ले लेते हैं वेक्टर को दिखाने के लिए, ये भी एक डायरेक्शन होती है। तो अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3i कैप प्लस 9j कैप माइनस 15k कैप आएगा। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी के साथ जब एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है। अब हम आगे प्रोड्यूस होते हैं इसके एप्लीकेशंस पे, इसके थोड़े ही बहुत से एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा एप्लीकेशनों की बात नहीं करेंगे, मेन एप्लीकेशंस की बात करेंगे, जो कि कुछ ऐसे हैं। पहला है लीनियर मोमेंटम। दोस्तों लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। देखो देखिए दोस्तों, ये एरो का साइन मैंने आपको पहले बताया था, वेक्टर का एक सिंबल है। यहाँ पर देखिए m, यहाँ पर मास, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता इसलिए स्केलर है, और v वेक्टर, वेक्टर जो है वो v मतलब वेलोसिटी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी से मिलती है तो वो एक बनाती है वेक्टर क्वांटिटी, जो कि है हमारा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। दूसरा एग्जांपल है
फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मास है, ये एक्सेलरेशन है। ठीक दोस्तों, एक्सेलरेशन जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन होती है, और मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जब एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी साथ मिल रहा है तो यहाँ पर देखिए एक वेक्टर बन रहा है। ये जो साइन है वो वेक्टर का, वेक्टर को सिंबल, वेक्टर को बता रही है। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी यहाँ खत्म हो गई। स्केलर चूंकि बड़ा नहीं है पर वेक्टर बड़ा है। अब यहाँ पर अब हम दूसरा चीज़ देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अगर किसी जो कि है कि अगर अगर हम किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या क्या होगा। दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट आता है वो होता है एक स्केलर, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट आता है, जो आंसर आता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे एक इस डॉट प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी आती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये ए वेक्टर है, यहाँ बी वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर हैं। थीटा एंगल पे इन दोनों को बेंड किया गया है। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आता है ए बी कॉस थीटा, या आप कह सकते हैं ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वैक्टर मल्टीप्लाइड बाई बी वैक्टर। आपको ये इतने अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं इसे पहले एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। मेरे हाथ को आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कॉस थीटा और इस ये कॉस थीटा मैंने क्या लिखा है। देखिए मैं आपको दो थीटा के बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो होते हैं कॉस थीटा, सिन थीटा, टेन थीटा, कॉस है, लेकिन मैं आपको केवल दो के बारे में बता रहा हूँ जो है कॉस थीटा और सिन थीटा। निकालने का इजी तरीका, यहाँ पर देखिए ये मेरा हाथ है और आप दे और ये मेरे हाथ का मैं यहाँ पर आप अपने कॉपी पे एक छोटा सा वो डिज़ाइन बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसे कहते हैं जीरो डिग्री, अपने हाथ के यहाँ पर जीरो डिग्री, ये आप याद कर लीजिए। ये होता है 30 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री और ये होता है 90 डिग्री। अब आप देख सकते हैं, जब अगर आपको कभी भी कॉस थीटा निकालना हो, कॉस थीटा, थीटा मतलब एंगल होता है, कॉस थीटा निकालना हो तो आप इस तरह ऊपर जाएंगे। इस चीज़ को भी आप याद कर लीजिएगा, बस यही दोनों चीज़ याद करना है, कॉस थीटा ऊपर, और जो आपको सिन थीटा निकालना हो तो आप नीचे की तरफ आएंगे। ठीक, तो अब देखते जाइए, यहाँ पर है 60, अगर मान लीजिए कॉस थीटा है। अभी आपका इसका मैं एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ एग्जांपल, आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कैसे इसका प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए एक ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये 10 यूनिट्स, ये 20 यूनिट्स, इसको हम लोग रख लेते हैं, ज़ूम कर लेते हैं 20 यूनिट अपने मन से, और इसके बीच का एंगल 60 डिग्री। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपने देखा था कि ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वी वेक्टर, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वी वेक्टर जो था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वी मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो कि है 20, हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वी मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए है 20, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है 10 मल्टीप्लाइड बाई, मैंने आपको बताया था कॉस थीटा। अब इसका यूज देखिए, यहाँ पर 60 डिग्री ना, यहाँ पर क्वेश्चन में 60 डिग्री है, कॉस जाने के लिए हम लोग ऊपर जाएंगे। 60 को छोड़, जिस एंगल को आपको निकालना हो उसको छोड़ एक कदम लीजिए। ठीक, ये कितना है 1 1, यहाँ लिख लीजिए, एक एक ही फिंगर आ रही है, एक 1 लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए। ठीक, हर में आपको डिवाइडेड बाय 4 करना, और इसको अंडर रूट में ला दीजिए, तो आंसर आएगा 1/2। जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर मान लीजिए आपको 45 डिग्री का निकालना है तो 45 डिग्री को छोड़कर एक दो फिंगर 2 डिवाइडेड बाय 4 और इसको अंडर रूट में कर दीजिए, तो आपका आएगा √2/2। और आप कहीं पे भी जाकर दे सकते हैं, 45 डिग्री का कॉस थीटा पे वैल्यू √2/2 होता है। उसी तरह अगर आपको मैं 60 डिग्री का साइन थीटा निकालने को बोलूँ तो 60 यहाँ 1 2 3
थ्री हो गया डिवाइडेड बाई फोर और इसको अंडर रूट में कर दीजिए sin थीटा के लिए, तो 60 डिग्री sin थीटा sin 60 हो जाएगा आपका रूट थ्री बाई फोर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं रूट थ्री बाई टू। ठीक, तो उसी तरह दोस्तों अगर आप यहाँ पर निकालेंगे तो 60 डिग्री का 60 डिग्री वन बाई फोर अंडर रूट, जिसकी वैल्यू आई है वन बाई टू, तो वन बाई टू हम यहाँ लिख देंगे कट के टेन हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 10 यूनिट्स। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो वेक्टर थे, ए वेक्टर बी वेक्टर, लेकिन जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो वेक्टर जो बना जो रिजल्टेंट आया वो एक वेक्टर नहीं, वो एक स्केलर क्वांटिटी था। देखिए 100 वेक्टर, मैंने यहाँ कहीं पर भी एक वेक्टर ये इस एरो का साइन नहीं लगाया है। ठीक, तो इससे आप ये समझ सकते हैं। दोस्तों अब हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वैक्टर देखते हैं। यूनिट का मतलब ही होता है वन, तो जहाँ यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स होंगी उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, जैसे टू थ्री फोर, यहाँ पर केवल हम लोग वन लेंगे। तो दोस्तों आप इस फिगर को एक बार देखिए, इस ग्राफ को, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आई कैप है, यहाँ जे कैप है जो मैंने आपको पहले बताया था, और के कैप के भी बारे में मैंने बताया था कि आप दीवार का एक कोना देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा, कुछ इसी प्रकार का दिखेगा। अब देखिए दोस्तों इन सबको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू जो होती है वो वन होती है, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है। क्योंकि आप ये जो पीछे मैंने आपको डायग्राम एक बार बताया था उसे आप ध्यान से देख सकते हैं, कॉस 90, कॉस मतलब हम लोग यहाँ ऊपर जा रहे हैं, देखिए 90 डिग्री से जब हम लोग इधर जाएंगे तो कोई फिंगर ही नहीं है मेरी, कोई डिज़ाइन नहीं है फिंगर की, तो इसीलिए हम लोग इसे जीरो ले लेते हैं सिंपली। अब आप यहाँ देखिए, अब हमें और मैंने आपको बोला था कॉस जीरो डिग्री, यहाँ पर कॉस देखिए जीरो यहाँ है, उसके बाद देखिए वन टू थ्री फोर हैं, तो आप अगर फोर लिख दिए डिवाइडेड बाय फोर करना था और इसमें अंडर रूट लगाना था, फोर वन जब फोर कट जाएगा रूट वन आएगा, रूट वन की वैल्यू वन होती है, इसीलिए आप देख सकते हैं कॉस जीरो डिग्री की भी वैल्यू वन है। तो ये चीज़ आप कभी मत भूलिएगा, इन क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। देखिए आई कैप इंटू जे कैप करना, आई कैप जे कैप मल्टीप्लाई, इसके बीच का हम लोग एंगल पीछे निकालते थे, 60 डिग्री था हम लोग का अभी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 डिग्री तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे आई कैप इंटू जे कैप, यानी हम मैंने बोला था यूनिट वेक्टर रखेंगे तो वन इंटू वन, ये मल्टीप्लाइड का साइन है, कॉस 90 डिग्री, देखिए इनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मतलब होता है जीरो, तो इन सब का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो जीरो आ जाएगा। उसी प्रकार से इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि यहाँ देखने से तो नहीं लग रहा 90 डिग्री है, पर अगर आप किसी दीवार के कोने से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि ये 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के कैप इंटू आई कैप मतलब इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, देखिए इन दोनों का इसका इनके बीच भी 90 डिग्री बनेगा, अगर आप दीवार के कोने को देखेंगे ज़्यादा अच्छे समझेंगे, और इनके बीच भी 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक, तो जब इसका मल्टीप्लीकेशन तब कितना हो जाएगा जीरो, ऐसे जैसे जे कैप इंटू के कैप इज इक्वल्स टू वन इंटू वन कॉस 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। उसी तरह के कैप इंटू आई कैप इज इक्वल्स टू वन इंटू वन कॉस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। अब आप देखिए, अब आपने ये सब देख लिया, अब इसके बाद हम आते हैं आई कैप इंटू आई कैप पे, डबल आई कैप है यहाँ पे, जब आई कैप और आई कैप डबल वायर रिपीट होता है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जब दो लाइन ऐसे जाएगी तो यहाँ पर इनके बीच कितना एंगल बन रहा है, बेसिकली यस जीरो डिग्री का, इनके बीच जीरो डिग्री बन रहा है। तो जब यहाँ पर जीरो डिग्री बनेगा तो जीरो डिग्री की हमने वैल्यू ली थी वन, तो आई इंटू आई, आई कैप इंटू आई कैप मतलब कि हमने मैंने बताया यूनिट वेक्टर है तो वन इंटू वन, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की यहाँ पर वैल्यू कितनी है जीरो है, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू जीरो है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा वन, कॉस थीटा का वैल्यू वन, वन इंटू वन इंटू वन वन हो जाएगा। उसी तरह जे कैप इंटू जे कैप होगा आपका वन इंटू वन कॉस जीरो डिग्री, जिसकी वैल्यू आपकी आएगी वन आएगी, क्योंकि ये वन इंटू वन इंटू वन हो जाएगा। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस हमने जो अभी तक सब चीज़ पढ़ा बहुत ही सिंप्लीफाइड था, अब क्वेश्चंस इतने सिंप्लीफाइड नहीं आते, वो कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, जैसे कि हमने केवल 10 यूनिट्स 20 यूनिट्स ऐसा पढ़ा था, जैसे कि ये 10 यूनिट्स इधर जा रहा है 20 यूनिट्स इधर आ रहा है, लेकिन अब जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो इस बेसिस पे नहीं आएंगे, आपको क्वेश्चन ऐसे देगा, देखिए
ए वैक्टर इज इक्वल्स टू टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप एंड बी वैक्टर इज इक्वल्स टू फाइव आई कैप प्लस टू जे कैप। ठीक, अब आपको बोलेगा कि इनका ए डॉट ए वैक्टर में मल्टीप्लाई बाई वी वैक्टर करिए। दोस्तों हमने पीछे देखा था कि यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा ही केस था, पर यहाँ पर 10 यूनिट्स 20 यूनिट्स थे, मतलब कि 20 आई कैप और 10 जे कैप, तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई करके 100 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ के केस में आप देखिए, यहाँ के केस में कुछ अलग बात है। यहाँ केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 आई कैप दिया है माइनस 3 जे कैप, मतलब एक ही में ये दोनों आ गए हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसे थोड़ा आप याद कर लीजिए क्योंकि इसका डेरिवेशन हम लोग बहुत बाद में समझेंगे। इस ये बेसिकली इस फॉर्मूला को याद करना ही ज़्यादा सही रहता है, जो कि है ए वैक्टर मल्टीप्लाइड बाई बी वैक्टर। उस केस में जब वैक्टर ज़्यादा हो, जैसे इसकी तरह यहाँ पर वैक्टर ज़्यादा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप वैक्टर ज़्यादा है। ठीक, तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ए वन मल्टीप्लाइड बाई ए टू, ए वन है आपका ये वेक्टर ए, इसको हम लोग ए लेंगे, इसको भी लेंगे बी, इसमें लेंगे ये ए वन है ये ए टू है, हम लोग ले लेते हैं ये ए वन ये ए टू, ये बी वन ये बी टू। ठीक दोस्तों, अब देखिए ए वन मल्टीप्लाइड बाई ए टू, ए वन मल्टीप्लाइड बाई ए टू प्लस बी वन मल्टीप्लाइड बाई बी टू, और अगर हम लोग यहाँ पर कोई के वैक्टर ले लें जैसे कि 5k और माइनस 2k, हमने दो वैक्टर लेनी है, इसको हम लोग सी वन लेंगे, इसको हम लोग सी टू लेंगे। आप देख के समझ सकते हैं इन तीनों को, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करके प्लस, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करके प्लस जो हम करेंगे वो इसकी वैल्यू आएगी। तो आप देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए वैक्टर मल्टीप्लाई बाई वी वैक्टर, यहाँ पर था, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ए वन है और यहाँ ए टू है, तो जब टू आई कैप को फाइव आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टू आई कैप मल्टीप्लाइड बाई फाइव आई कैप, ठीक, मैंने आपको बताया था ए वन इंटू ए वन होता है ए टू होता है। ठीक, और फिर उसके बाद प्लस करेंगे हम लोग, दूसरा था हम लोग का थ्री माइनस थ्री जे कैप मल्टीप्लाइड बाई टू जे कैप, ठीक, इसे भी हम लोग ऐड करेंगे। इसके साथ जो तीसरा हमने अभी निकाला था फाइव के कैप, हाँ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5k कैप, जैसे हमने पीछे देखा था 5k कैप था और दूसरे में था 2k कैप, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था सी वन इंटू सी टू, तो उसी प्रकार 5k कैप, और ये हम लोग ये निगेटिव की साइन लेना भूलेंगे नहीं, 2k कैप, इन सब का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 10 माइनस 6 माइनस 10। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 माइनस 6 माइनस 10 हमने लिया था, तो यहाँ से ये 10 से ये 10 कट गया, बचा हमारा माइनस 6, हमारा माइनस 6 यूनिट्स आंसर आ जाएगा। आप पूछ रहे होंगे कि मैंने यहाँ आई कैप या जे कैप का प्रयोग नहीं किया, तो मैंने आई कैप या जे कैप का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है, और ये आई कैप और जे कैप एक डायरेक्शन का इंडिकेशन है, इसीलिए मैंने आई कैप और जे कैप का प्रयोग यहाँ नहीं किया है। तो आंसर आएगा आपका माइनस 6 यूनिट्स। दोस्तों तो हम लोग ने यहाँ पर एक और अपना वीडियो ला कर रख दिया है, अपना क्वेश्चन ला कर रख दिया है, जो कि है ए कैप ए वैक्टर, इसका आई कैप प्लस जे कैप और बी वैक्टर आई कैप माइनस जे कैप। तो मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई थी कि इसे हम ए वन मानेंगे तो इसे हम ए टू मानेंगे, इस आई कैप को एक साथ लीजिएगा, और इसे अगर हम बी वन मानेंगे तो इसे हम बी टू मानेंगे। ठीक, फॉर्मूला क्या था, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू। ठीक, तो अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ आई कैप है, इसका कोफिशियंट क्या है, वन वन इंटू वन। ठीक दोस्तों, और प्लस का साइन लगा देंगे हम लोग, और यहाँ पर देखिए इसका कोफिशियंट क्या है, वन इंटू माइनस वन। दोस्तों इस माइनस वन को इग्नोर करना मत भूलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसकी वैल्यू आएगी वन और यहाँ पर माइनस वन, ये इसे ये कटा बचा हो गया जीरो। दोस्तों तो ये है हमारा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पे अभी और भी क्वेश्चंस हैं और इसके कुछ नोट्स हैं जो कि मैं आपको अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। वो क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मेरी अगली वीडियो
को देख अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को कंप्लीट कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।